तो हम यहाँ पर आए थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैच देखने के लिए, लेकिन वो हमें अंदर नहीं जा देता क्योंकि वो कह रहे कि आपके पास कार्ड नहीं है। तो कार्ड एक मैच के लिए हम कार्ड कैसे बना सकते हैं? और वो जगह जो है वो आप देख सकते हैं वो हमारे लिए बनाए हुए हैं, लेकिन वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे कि यहाँ पर जो है कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, और वहाँ से रास्ता है लेकिन वहाँ पर आपको जो मैं ले चलता हूँ वहाँ से अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी जो है ये हमें अंदर नहीं ले जा रहे और वो हमें छोड़ नहीं रहे। तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास तो कार्ड नहीं है, हम तो स्पोर्ट्स में नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ और यूनिवर्सिटी के जब क्लासेस ख़त्म हो गए तो मैं यहाँ पर आ गया कि आपको व्लॉग बना सकूँ, तो वो व्लॉग भी बना ही नहीं दे रहे। वो कह रहे कि वहाँ से जाओ और जो है यहाँ से फिर अलाउड नहीं है हमें। तो क्या कर सकते, ये तो नया पाकिस्तान है, यहाँ पर तो ये होता रहता है ना। अभी हमें अंदर नहीं ले जा रहे, वो कह रहे कि हमें अलाउड नहीं है, हमें वो नहीं है, प्लाना नहीं है, डिंका नहीं है, क्या कर सकते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आया हुआ हूँ। एहतिशाम बच्चा सुपर लीग के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, MSL बर्दान सुपर लीग, जो बहुत बड़े सतह पर हो रहा है। आप जो देखोगे कि कौन कौन यहाँ पर है, या इस इवेंट में, इस लीग में जो है नेशनल सतह पर लोग आ रहे हैं, यानी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खेलेंगे। आपको पता होगा कि हर मूवी में एक विलन होता है, और इस वीडियो में विलन में हूँ, लेकिन वो विलन जो अपने मुंह पर पट्टी बांध कर वहाँ से चला जाता है। अब आप कहोगे कि वाकया आपको जो है आपके साथ क्या वाकया हुआ, तो सुनो, मैं इस गरज से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आया कि मैं यहाँ पर ऐसा व्लॉग बनाऊँगा जो आज के जो आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि मैंने रात से प्लानिंग किया था कि इस तरह मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो देख देख के इतना जो है मैं मोटिवेट हो गया था कि मैं सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊंगा, ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि मेरे जितने वीडियोस है वो प्लाप करके और ये हिट हो जाएगा। तो बदकिस्मती से जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया तो सिक्योरिटी वालों ने मुझे क्या कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों, उसने कहा कि ये ऊपर से आर्डर आया है कि किसी को अंदर जाने मत दो। मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है ऊपर से, लेकिन कुछ लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा कि ये क्यों जा रहे, तो उसने कहा कि इसके पास कार्ड है, स्पोर्ट कार्ड है। तो मैंने कहा स्पोर्ट्स कार्ड कहाँ बनते, तो उसने कहा कि एक तारीख तक स्पोर्ट्स कार्ड भी बने। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही स्पोर्ट्स कार्ड होंगे, यानी इसका एंट्री होगी। तो मैंने कहा कि मैं आपको जो टिकट भी देता हूँ, ये अगर टिकट आप लेते हो, तो उसने कहा कि नहीं हम टिकट नहीं लेते, लेकिन ये स्पोर्ट कार्ड उन लोगों को मिलते हैं जो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो मैंने कहा कि ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो इसलिए नहीं बनाए, सिर्फ इसके लिए तो नहीं बनाए, ये तो हमारे लिए सब के लिए बनाए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि दफा हो जाओ, मुझे धक्का दिया कि आप बात समझते नहीं। मैंने कहा मैं तो बात समझता हूँ, मैं इंसान हूँ, गधा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डंकी, आई एम अ मैन, आई एम अ ह्यूमन। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि यहाँ पाकिस्तान में जो लोग सरकारी मुलाजिम है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं वो ये समझते हैं कि हम इंसान हैं और जो दूसरे लोग हैं वो हैवान है, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो नहीं जानते, वो जो है उसमें जो है अकल नहीं है, लेकिन हम में अकल है। जो सरकारी मुलाजिम है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गलत फ़ायदा उठाता है अपने जो है जॉब से, अपनी ताकत से गलत फ़ायदा मत उठाओ। क्योंकि मैं गया तो उसने मुझे धक्का दिया, सिक्योरिटी वाले ने मुझे धक्का दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो धक्का देने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं उस पर गर्म हो गया, इस बात पर गर्म हो गया कि आपने मुझे क्यों धक्का दिया। एक दोस्त ने कहा कि आ जाओ पर छोड़ दो, फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क होगा। गटी बादा क्रिकेट दलू विदा गरम मैदान तुरु बहादरान देखौरी द तुरु दीसी गवलिया तलान तुरु बहादरान तुरु बहादरान तुरु बहादरान तुरु बहादरान Thank you.
تاریخ تکڑ دی کہ میچ میں سہیل خان ہے، عمر امین ہے اور تورو بہادران نے میچ جیت لیا اور بہت آسانی کے ساتھ 140 رنز کا ٹارگٹ تھا، بالکل آسانی کے ساتھ انہوں نے کر دیا۔ تو ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے تورو بہادران کا اور ہوتی مردان کا جو میچ تھا، فائنل تو نہیں تھا لیکن فائنل کی طرح جو ہے کیفیت تھی، تو بہت اچھے انداز سے اس نے جو ہے میچ جیت لیا ہے تورو بہادران نے۔ میں کنگریٹس کہتا ہوں تورو بہادران کو اور بہت اچھے طریقے سے میچ ہو گیا ہے اور سیکیورٹی کی وجہ سے میں نے آپ کو جو ہے میچ پورا نہیں دکھایا کیونکہ اس کے ساتھ میں تھوڑا گرم ہو گیا تھا کیونکہ وہ مجھے اندر جانے نہیں دیتا، تو اس وجہ سے میں جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ میں اندر جاؤں اور آپ کو جو ہے سارا جو نظام ہے اور سارا جو کھلاڑیوں کے ہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی آئے تھے یہاں پر، تو اس کا نظارہ میں آپ کو دکھا سکوں، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا اور میچ ختم ہو گیا ابھی اور بہت اچھا میچ ہو گیا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان۔ تو بس آئے ہوئے تھے آج آپ کو، میں نے سوچا کہ میں آپ کو جو ہے اسپورٹس کمپلیکس کا آج کا دوسرا میچ میں آپ کو دکھا سکوں، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔